दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक अब खत्म हो चुकी है। हम आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक की जा रही थी। वहीं राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी बैठक में मौजूद रहे थे। भैया अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। हम आपको बता दें, अगर बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता भाई रामगोपाल यादव, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी बैठक में उपस्थित रहे थे। हम आपको बता दें, बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2.5 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं उन्होंने इस बार दावा किया है कि 295 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। वहीं जनता के सर्वे में उन्होंने बताया कि उन्हें 295 से ज्यादा सीटें मिली है। हम आपको बता दें, बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा, 2.5 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो कि 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बैठक के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि जनता के सर्वे में उन्हें मिला है कि 295 से ज्यादा सीटें इंडी गठबंधन जीतेगी। वही जनता के सर्वे में 295 से ज्यादा सीटें जीतने के आसार है। वही उन्होंने कहा, हम सच्चाई पे साथ देंगे, हम सच्चाई देश के सामने रखेंगे। वही खड़गे ने कहा कि एग्जिट पोल डिबेट में हम हिस्सा लेंगे। वही खड़गे ने ये भी कहा कि जनता का मूड मीडिया के सामने रखेंगे। बड़ा बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि जनता का मूड मीडिया के सामने रखेंगे। अब आपको बता दें, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में की जा रही थी। वही आपको बता दें, मुख्य रूप से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और चलिए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद क्या क्या कुछ कहा। सरकारी सर्वे तो होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है। और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं, उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक तो हम आपको बता दें, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। हम बता दें, अब बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में की जा रही थी, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद थी। वहीं यहाँ पे मुख्य रूप से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे थे। हम आपको बता दें, रामगोपाल यादव, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मुख्य रूप से इस बैठक में उपस्थित रहे थे। वहीं सीएम केजरीवाल, भगवंत मान बैठक में उपस्थित रहे थे, जो कि हम देख सका, हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कुछ कहा, हम आपको बताते हैं। 2.5 घंटे तक उन्होंने बताया कि मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया, 295 सीट जीतेंगे कांग्रेस, इंडी गठबंधन 295 सीट जीतेगी। वही उन्होंने यह भी बताया कि जनता के सर्वे में हमें 295 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया गया है। वही उन्होंने यह भी कहा कि हम सच्चाई देश के सामने रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद यह भी कहा कि एग्जिट पोल डिबेट में हम हिस्सा लेंगे।